डॉक्टर साहब हम रुके की जाएं? अच्छा ठीक है, नाराज मत होइए, हम जाते हैं। आपने हमारा दुपट्टा काहे पकड़ा है? छोड़ दीजिए ना। क्या हुआ, क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही है आप? क्या सॉरी, क्या हुआ? बरगद का भूत। नमो दुर्गे सुकन्या, तमो नमो दुर्गे दुखर। उठिए आप, उठिए। अरे अरे बाबूजी, पता तो है आपको इस कंकाल के बारे में, मेरी मेडिकल स्टडी का हिस्सा है ये। इतना क्यों डर रही हैं आप? ऐसा नहीं कि पहली बार देखा है आपने इसको। कंकाल है तो कंकाल की तरह काहे नहीं रहता, ऐसे साल उड़ के रात के अंधेरे में भूत भूत काहे खेल रहा है? देखिए, एक दिन के लिए बहुत ड्रामा हो गया, ओके? आइए, आपकी चोट चेक करनी है मुझे, आइए। घाव भर रहा है, गुड, इसे आज के लिए रख देते हैं। चलिए, बहुत देर हो गई है, आप सो जाइए। क्या हुआ जी? नींद तो हमें भी बहुत आ रही है, लेकिन कहाँ सोए आप? बेड पर सो जाइए। नहीं 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 नहीं, आपका जमीन पर सोएंगे का? रहने दीजिए, आप बिस्तर पर सो जाइए। लेकिन मेरे कमरे में सोफा भी है, ओके? मैं यहीं सो जाऊंगा। हाँ, पर मकवली बिस्तर पर सोने वालों के लिए सोफा भी तो जमीन के समान है ना। आप चिंता मत कीजिए, हमको आदत है, हम क्या करेंगे, चादर लेंगे, इसको परस देंगे और लेट जाएंगे। इसकी क्या जरूरत है जब हम दोनों आराम से सो सकते हैं? इट्स ओके, आप बेड पे सो जाइए। हम भी तो वही कह रहे हैं, इट इज ओके, आप बिस्तर पर सो जाइए, हम नीचे सो जाएंगे, ठीक है? इतना क्या जिद कर रही हैं आप? कमरा मेरा है, मैं डिसाइड करूंगा। अरे पर कमर तो हमारा है ना, हम फैसला करेंगे इसे कहाँ सीधा करना है कि नहीं। हर बार आप ही की चलनी जरूरी है क्या? और आप हर बार डॉक्टर काहे बन जाते हैं, हम आपके मरीज है का? लाइए दीजिए। देखिए, अब आप इरिटेट करने लगी हैं मुझे। अब तो और भी करेंगे, लेकिन हम तो यही सोएंगे। ठीक है। इस बार मैं भी आपकी तरह सिद्धि बन जाऊंगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो आप कर रही हैं, जिद। बेड भी खाली, सोफा भी खाली, हम दोनों नीचे सोएंगे। गुड नाइट। शुभ रात्रि। मैं वादा करता हूँ आपसे कि एक बार आपको छोड़कर गलती कर दी है मैंने,
वो दोबारा कभी नहीं करूंगा। तुम्हें रजावत परिवार की बहू रानी मानते हैं। हाँ अब ठीक है बेटा, मैंने रामू काका के वकील से बात करी थी। अरे उनका केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। पैतालीस डिग्री का एंगल, दिल पर हाथ, और बहुत जल्द हमें मिलेगा अपने बाऊजी का साथ। अपना टेम आएगा, अपना टेम आएगा। रानी जो भी करना चाहे उनका हर सपना पूरा हो। जयपुर के सबसे बड़े परिवार, रजावत परिवार की बहू रानी है ये। ये रानी है वीर प्रताप सिंह रजावत की रानी। इस बात का ख्याल मैं हमेशा रखूंगा और रानी का भी। हेलो हेलो, रात बहुत हो गई है हमें पता है, लेकिन जरूरी काम था इसलिए फोन किया। रामू के केस के बारे में क्या हो रहा है? जैसा आपने कहा था वैसा ही हो रहा है। हमारा केस स्ट्रॉन्ग है रानी साहब, कम से कम सजा होने के चांस है, और मेरी पूरी कोशिश है कि रामू बेल पर बाहर आ जाएगा। शतरंज का खेल जानते हो तुम? प्यादा, हाथी, घोड़ा, ऊंट सब एक ही तरह की चाल चल सकते हैं। प्रिडिक्टेबल, यानी कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो पहले से क्या करने वाले हैं। लेकिन रानी, यानी कि हम, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। अनप्रिडिक्टेबल, लास्ट मिनट तक हमें खुद पता नहीं होता है कि हम क्या करने वाले हैं। रामू के केस का अगला पड़ाव हम आपको बताएंगे क्या करना है। जी जी रानी साहब। किसकी हिम्मत हुई हमारी जगह लेने की?
रानी सा, ये आपकी ग्रीन टी। बहुत दिन तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखे है ना, इसीलिए आंखें नम हो गई। पर देखो कैसे सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ कैसे अच्छा हो रहा है। तुम्हारी रिहाई भी होने वाली है बाबूजी, हम खुद तुम्हें लेने आएंगे। कहीं और जाकर करेंगे आप ये प्लीज? बक, सारे डॉक्टर साहब वो हमारे ध्यान में नहीं था कि आप। ज्यादा जल्दी जगा दिए हम आपको। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ ठीक हूँ। अरे संभल के, गर्दन में बल आ गया का? डॉक्टर को बुलाए। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, आप रहने दीजिए, मैं देख लूंगा। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, अब आपके गर्दन के पेच हिल गए हैं सारे। लाइए हम ठीक कर देंगे। कल रात अगर हमारी बात मान लिए होते और नीचे सोने की जिद नहीं करते तो ये नौबत ही नहीं आती ना। अब हमको आदत है, अब देखिए घड़ी के कांटे की तरह 360 डिग्री अपना सर घुमा सकते हैं। लाइए हमें दिखाइए, हम अभी ठीक करते हैं। आप रहने दीजिए, हल्का सा स्प्रे ने ठीक हो जाएगा। आपकी चोट चेक कर लेते हैं, बैंडेज चेंज करनी पड़ेगी। नहीं अभी के लिए ठीक है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, एक अर्जेंट केस है, वापस आऊंगा तब चेंज कर दूंगा। खुद मत करने लग जाना, ओके? पर आपके गर्दन के बल का क्या? मेरे बल का हल हो जाएगा, ओके? आप चिंता मत कीजिए। लाइए दीजिए, ये हम कर देंगे। मेरा काम है, आप क्यों करेंगे? मैं कर लूंगा। आप इतना जिद काहे करते हैं? बाप को अस्पताल के लिए देरी हो रही है ना, ये सब करेंगे तो जल्दी कैसे पहुंचेंगे? ऊपर से गर्दन और भी दर्द करने लगेगा। दीजिए हम कर देंगे। थैंक यू। तरीके की बहुरानी बनने का पहला दिन है, सब कुछ सही से हो जाए, कच्चु गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ई रहे गर्मा गर्म पराठे। अरे वाह वाह वाह। एक भाभी सब, आप जानती हैं ना हम स्पेशल डाइट पे, हम ये सब नहीं खा सकते। अरे ये सब से कच्चू नहीं होता। अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा सोचिए, दबाकर कसरत कीजिए और एक तो पराठा और तो बनता ही है, साथ में मक्खन। बहुत हंसी आ रही है ना भाभी साहब, इसको भी दीजिए। हम अकेले क्यों मोटे हो? हाँ ये हमारे गांव का मक्खन है, इसे मोटापा नहीं होता, सेहत पे तंदुरुस्ती आती है। आपको भी खिलाते हैं। लाइए लाइए, मैं तो खाऊंगा। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। भाई भाई देखिए ना यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे और विक्रम के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है मोटे होने का, आप भी ज्वाइन कीजिए ना। नो थैंक यू, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मुझे हॉस्पिटल जाना, थोड़ा अर्जेंट काम है।
अरे बेटा नाश्ता तो करके जाइए। दादी सर हॉस्पिटल में कुछ खा लूंगा, लेट हो रहा है। वीर। जी रानी सा। अगर तुम कुछ खा के नहीं जाओगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी जूस और टोस्ट में कितना वक्त लगता है? एक्चुअली रानी साहब एक इम्पोर्टेंट केस स्टडी करना है। आई नो काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा अपने सेहत का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है, वरना तुम काम कैसे करोगे? और डॉक्टर होने के नाते तुम्हें ये सब कुछ पता होना चाहिए वीर। लो वीर जूस पी के जाओ। एक मिनट वीर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आज शाम को हमने एक पार्टी रखी है। फाइनली अरे कुछ फन करने को मिलेगा। बट मॉम ओकेजन किस खुशी में? वीर और रानी के रिश्ते की खुशी में। आज हम पूरे जयपुर के सामने ऐलान करना चाहते हैं कि रानी हमारे बेटे वीर यानी कि रजावत परिवार के बड़े कुंवर की धर्मपत्नी है। दिस इज सो अमेजिंग। मतलब आज के दिन में डबल खुशियां विक्रम। देखो आज वैलेंटाइंस डे भी है और आज ही के दिन ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो रही है। भाभी साहब हम कह रहे हैं बहुत ही मजा आने वाला है। स्वेयर आज शाम को वक्त पे आ जाना। जी रानी साहब मैं एक घंटे में वापस आ जाऊंगा। संभल के जाना। एक घंटे में वापस आ जाता, सब देख रहा हूं मैं। भाभी साहब आपने कुछ नोटिस किया? ब्रो थोड़े बदले बदले से नहीं लग रहे? पहले तो पार्टी के नाम से घर से भाग जाते थे और अब कह रहे हैं कि एक घंटे में वापस आ जाऊंगा। कुछ तो बात है। अब भाभी सा बलिया में आपने भाई की खाने में कुछ मिला दिया था क्या? अब वो क्या है ना कि इतना कुछ तो हमने भी आज तक भाई को नहीं देखा। अगर कोई जादू वादू क्या हो तो हमें बता दीजिए आप। जी हमने नहीं, जो की है रानीसा की है। ये उन्हीं के ममता का जादू है कि डॉक्टर साहब खुश नजर आ रहे हैं। एक बच्चे के लिए अपनी माँ से बढ़कर और कौन हो सकता है? वो माँ जो बच्चे की जिंदगी का हर दुख दूर कर सकती है, उनकी दोस्त बन सकती है, उन्हें सही रास्ता दिखा सकती है। एक माँ की कमी कोई कभी पूरी नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब के लिए तो आप उनकी दुनिया है रानी साहब। आप ही से शुरू और आप ही पे खत्म। आपने जब से डॉक्टर साहब के सर पर अपना हाथ फेरा है ना, तो उन्हें मानो कि भगवान मिल गए। और हमारी तो अम्मा भी ना है, कभी देखे ना ही है उन्हें, लेकिन जब भी डॉक्टर साहब को आपको देखते हुए देखते हैं ना रानी साहब, तो ऐसा लगता है कि शायद हमारा और हमारी अम्मा का रिश्ता भी ऐसे ही होता, प्यारा और पवित्र। क्या भाभी साहब फिर से आपने इमोशनल कर दिया सबको। अरे शाम को घर में पार्टी है, जश्न का माहौल होना चाहिए भाई। चलिए सब अपने आंसू पोछिए प्लीज। एक्चुअली
इतनी सारी तैयारियां भी करनी है, और वैसे भी आपकी इस घर में पहली पार्टी है भाभी साहब, हम कोई कमी होने ही नहीं देंगे। और देखना, आज की शाम को आपके लिए एकदम स्पेशल बना देंगे, चलिए हमारे साथ। रानी साहब, मासा, हमें आपसे कुछ सही कहा नंदिनी ने, आज की शाम रानी के लिए बहुत खास होने वाली है।